अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज खुर्रम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो मेरी राइडिंग सूट के हवाले से है। काफ़ी टाइम से ये सूट मेरे पे ड्यू था, मैंने काफ़ी टाइम से प्लान किया हुआ था लेना है। जिस तरह से आपने मेरे लास्ट व्लॉग्स देखे होंगे, कुंड मलीर का व्लॉग, गर्मी बहुत बढ़ गई है, तो आई वॉज़ प्लानिंग कि यार मुझे इसको अपग्रेड करना चाहिए। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मेरा राइडिंग सूट जो है वो मुझे मिल गया है। और आई थॉट कि मैं इसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, इसकी वीडियो बनाऊं, इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको दिखाऊं कि किस तरह का दिख रहा है, किस तरह की कस्टमाइजेशन मैंने उसके अंदर करवाई है, क्या कलर स्कीम जो है वो मैंने चूज़ की है अपने राइडिंग सूट के लिए। अगर आप इस तरह का सूट लेना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, नीचे कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और अपना राइडिंग सूट चलकर देखते हैं। तो गाइस फाइनली आप लोगों के सामने राइड विद खुर्रम की राइडिंग सूट की जैकेट मौजूद है। राइडिंग पैंट जो है वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि जैकेट इस वक्त मैंने बिल्कुल फ्रंट पे रखी हुई है और कलर भी आप देख रहे होंगे। साथ ही साथ एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने ख़ुद से ऐड करवाई ही हैं। आई थिंक आपको नज़र आ भी रहा होगा। जैसे सबसे पहले तो मेरा अपना लोगो जो है राइड विद खुर्रम का लोगो यहाँ पर आपको इम्पोज हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको राइड विद खुर्रम का एक लोगो इम्पोज हुआ नज़र आएगा। कलर स्कीम के हवाले से बता दूँ, कलर स्कीम जो थी वो मेरी खुद की चॉइस थी। इसके अलावा मेरे पास एक दो ऑप्शंस और भी थे जो कि मैं चूज़ कर सकता था, लेकिन ये थीम जो थी ये मेरी फेवरेट थी। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, ये रिफ्लेक्टर्स हैं जो कि रात के टाइम पे काम आते हैं, ये भी रिफ्लेक्टर्स हैं। पैरेट कलर जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये रिफ्लेक्टर्स का काम कर रहे हैं, ये भी रिफ्लेक्टर्स का काम कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा लोगो है राइड विद खुर्रम का। यहाँ ये वाला फैब्रिक जो है ये मैश है, मैश आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे वेलक्रो ऐड की गई है, अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर जिप दी गई है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो वेलक्रो है। उसके बाद अगर इसको मैं अंदर से आपको दिखाऊं, यहाँ पर आपको एक जिप मिल जाती है, अपनी कोई भी चीज़ आप अगर आपने रखनी है, वॉलेट है, डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ोन है, वो आप रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको इनर आपको मिल जाता है, अगर आप चाहें तो आप अपने इनर को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, इसको आप अलग कर लें। सर्दियों में मोस्टली इनर का यूज़ किया जाता है और गर्मियों के अंदर जो है इसको हटा दिया जाता है, मैं मोस्टली हटा देता हूँ। और मैश का होना गर्मियों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैश जैकेट्स जो हैं वो गर्मियों में यूज़ की जाती हैं, समर जैकेट्स जिसे कहते हैं हम लोग। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट के लिए आपको क्लिप्स दिए गए हैं, आप इसको अपने साइज़ के हिसाब से इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान का फ्लैग है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रोटेक्शंस जो हैं वो इसके अंदर दी गई हैं। एल्बो प्रोटेक्शन मौजूद है इसमें, शोल्डर की प्रोटेक्शन आपके पास यहाँ पर मौजूद है, और आपके पास एक बैक की प्रोटेक्शन जो है वो आपके पास मौजूद है। ये तो इसका फ्रंट लुक है। फ्रंट लुक के अलावा मैं आपको इसका बैक लुक भी दिखा देता हूँ। ये इसका बैक का जो है लुक दिया गया है। बैक में भी मैंने अपना लोगो जो है राइड विद खुर्रम का वो ऐड करवाया था, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर राइड विद खुर्रम जो है वो लिखवाया था, और साथ में यहाँ पर YouTube का लोगो मैंने ऐड करवाया है। एक और चीज़ इसमें बता दूँ आपको कि ये भी जो है ये भी रिफ्लेक्टर्स हैं, यहाँ पर भी रिफ्लेक्टर्स को ऐड किया गया है ताकि बैक से अगर आप कोई आपको देख रहा है तो उसको रिफ्लेक्टर्स से आइडिया हो जाए। साथ ही साथ शोल्डर्स पर भी रिफ्लेक्टर्स को ऐड किया गया है। ये नाइट विजन्स के लिए होते हैं रिफ्लेक्टर्स, जो रात के टाइम पे मोस्टली काम आते हैं। तो गाइस ट्राउज़र की बात कर लेते हैं, ट्राउज़र आप लोगों के सामने है यहाँ पर। ट्राउज़र के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि नी गार्ड्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं, नी गार्ड्स आपको यहाँ पर इंस्टॉल मिलते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर दो पॉकेट्स दी जाती हैं, ये वेंटिलेशन के लिए है, ये एक पॉकेट है, और इसी तरह से एक ये पॉकेट दी गई है। इसी के अलावा इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको वेलक्रो दी गई है, अपने साइज़ के हिसाब से अगर आपने इसको एडजस्ट करना है तो आप इसको अपने साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एक बटन दिया जाता है, जिप दी जाती है, और इसके अंदर भी आपको एक अदद इनर दिया जाता है। अगर आप चाहें तो आप इस इनर को रिमूव कर सकते हैं, और अगर आप इसको सर्दियों में वेयर कर रहे हैं तो आई थिंक आपको ठंडे इलाकों के अंदर इसको रखने की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है। ये इसका फ्रंट से कुछ इस तरह का लुक आ रहा है, और बैक से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका बैक का लुक कुछ इस तरह का है। तो कलर स्कीम के हवाले से मैं आपको बता दूं, ब्लैक था, डार्क ग्रे था, लाइट ग्रे था, और एक पैरेट कलर जो है वो इसमें
यूज़ किया गया है। इन तीन कलर्स के ऊपर जो है मेरा राइडिंग सूट जो है वो टोटली डिपेंड करता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए आपके पाँव के पास भी एक जिप दी जाती है और साथ ही में आपको एक वेलक्रो भी दिया जाता है ताकि आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट अगर करना चाहें तो आप उसको एडजस्ट कर सकें। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने मेरा राइडिंग सूट भी देख लिया है और बिल्ड क्वालिटी के हवाले से मैं आपको बता दूँ बिल्ड क्वालिटी नो डाउट बहुत 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 फिट किस्म की है और क्योंकि मैं इसको आने वाली राइड्स में अब यूज़ भी करूँगा, अब तक मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया था। ये जैसे ही मेरे पास राइडिंग सूट आया तो मैंने सोचा कि मैं इसका एक्सपीरियंस एक ओवरलुक जो है किस तरह का दिखता है वो आपके साथ शेयर करूं। जो नॉर्मल हम ये कह लें लुंडा से लेते हैं या हम ये कह लें कि रीफर्निश लेते हैं यूज्ड मैश की जैकेट्स या कडोरा जैकेट्स लेते हैं, समटाइम वो साइज़ में ओवरसाइज हो जाती हैं, समटाइम वो शॉर्ट हो जाती हैं, बेगी से एक लुक आ रहा होता है, तो इसमें इस तरह का कोई भी सीन नहीं है। कस्टमाइज थी, मैंने खुद से इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करवाई थी, वो भी आपने देख ली है कि मैंने यूट्यूब का लोगो ऐड करवाया था इसमें, अपना यूट्यूब का चैनल का नेम जो था वो ऐड करवाया है, लोगो ऐड हुआ हुआ है, यूट्यूब का लोगो ऐड किया है इसमें और कलर स्कीम आपने देखी होगी। इसके साथ साथ आपको इसकी प्राइस के हवाले से मैं आपको बता दूँगी, इसकी प्राइस जो है वो 11,000 इसकी प्राइस जो है वो मुझे कॉस्ट बेयर मैंने की है। अगर आपको इस तरह का राइडिंग सूट बनवाना है या आप बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, डिटेल्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा। बहुत जल्द इस तरह की और भी वीडियोस हैं वो आती रहेंगी आपके पास। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे नीचे कमेंट में बताएं ताकि मैं इस तरह की और भी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूं। उम्मीद करता हूं गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। खुर्रम साइनिंग आउट, अलहने के बाद।